शगुफ्ता साहिबा, क्या हो रहा है जिंदगानी में? थोड़ी सी रोशनी तो डाली है उस पे। बस मैंने अभी दोबारा काम शुरू किया है, बिकॉज बीच में एक कोई साल डेढ़ साल का गैप था, अब दो तीन प्रोजेक्ट्स एक साथ कर रही हूँ। लेकिन आपको लगता नहीं है कि सारे स्क्रिप्ट एक जैसे हैं? सैडली यस। सैडली तो उस कैरेक्टर को बदलने के लिए क्या डायरेक्टर आपसे कहते हैं कि इसमें थोड़ी सी चेंज ले आइए, कोई मैनरिज्म बदल लीजिए, या ये एफर्ट आप खुद अपने ताई करती हैं? नहीं, मैं अपने लुक पे फोकस करती हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा लगना है मुझे, अच्छा नहीं लगना। अच्छा, अच्छा नहीं लगना। अगर कैरेक्टर की डिमांड है तो मुझे अच्छा नहीं लगना। हाँ। मेरे पास अभी जो स्क्रिप्ट आया था तो मुझे डिफरेंट लगा, एक हवाले से कहानी के दो तीन डिफरेंट ट्रैक थे। तो आई कंसीव दैट वुमन एज अ वेरी ऑर्डिनरी लुकिंग पर्सन। लेकिन आपको लगता है कि आप जितनी भी कोशिश करें आप ऑर्डिनरी लग सकती हैं? मैं लगी ना कर। नहीं, मैंने रंग अपना काला किया, नाखून गंदे किए, घर में नंगे पांव चलना शुरू कर दिया। मासद के ओ सारी चीजें जड़ियां नहीं नजर आनी है, पैर तो यहीं करके तो नहीं ना दिखा। नहीं, मगर अगर सीन आएगा कि बंदा इस तरह गंदी औरत हुई। नहीं, गंदी मतलब ये कि वो कहानी है बहुत ही निग्लेक्टेड बीवी की, जिसको सिर्फ नफरत ही मिली है जिंदगी में। तो जिस औरत को नफरत मिलती है आपको लगता है वो गंदी हो जाती है? वो नहाती नहीं है, वो पाँव नहीं धोती, उसके नाखूनों में मैल फंस जाती है, ये क्या है? ये है कि मैंने जितने लोग अपनी लाइफ में देखे हैं जो औरतें कुछ कर नहीं सकती हैं लाइफ में, हमारे यहाँ मेजोरिटी ऐसी औरतों की है, होना नहीं चाहिए, बिकॉज व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, नो मैटर हु यू आर। ठीक है, इसीलिए आपने अपने सोशल मीडिया पे वो एक नाखून की तस्वीर। यस, वो उस कैरेक्टर का था, इशरत जहां। तो वो उस तरह से उसको थोड़ा सा डेवलप करने की कोशिश की है। लेकिन अगर 10-12 ड्रामे कर रहे हैं ना, तो उसमें कोई एक ऐसा आता है कि हाँ। डू यू अग्री विद व्हाटएवर शगुफ्ता साहिबा इज सेइंग मोहिब साहब? स्क्रिप्ट के हवाले से अब तो ओटीटी और वेब पे बहुत काम हो गया है। डू यू अग्री कि जो ड्रामा हम टेलीविजन पे दिखा रहे हैं वही हम शिफ्ट कर सकते हैं ओटीटी पे और व्यूअर इज गोइंग टू एक्सेप्ट इट? शगुफ्ता साहिबा, वही ड्रामा तो नहीं। हाँ, थोड़ा सा आइडियाज, नए आइडियाज आए, नई स्टोरीज आए, उस पे काम करें, बिकॉज हमें व्यूअर को इस तरफ लाना पड़ेगा। ठीक है, वो खुद नहीं आएंगे, उन्हें तो मसाला चाहिए। हाँ। उन्हें औरत पे जुल्म, औरत को ही औरत पे जुल्म चाहिए, वो देखना चाहती है। हाँ। तो और वैसे औरत ही औरत पे जुल्म करती है, मर्द औरत पे कभी जुल्म नहीं करता। और भाईजान, औरत को जब भी नजर लगी औरत की वजह से लगी, मर्द तो देखता ही बोलता है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। विल यू अग्री सर कि हमारा ऑडियंस जो देख रहा है कि औरत पे औरत जुल्म करती है इज द राइट मिथ? एक और बड़ा ट्रेंड आजकल मार्केट में बड़ा इन है जो देखने में आ रहा है कि अवार्ड्स जी, तकरीब जो है स्पेशली ये कोविड में तो बड़ा है, ये अवार्ड्स बड़े होने शुरू हो गए हैं, कितनी ऑथेंटिसिटी है जी इन अवार्ड्स में? मैं एक छोटी सी बात कहूंगी जिससे सारी सिचुएशन आपकी समझ में आ जाएगी। वाह। अगर आप नॉमिनेटेड हैं और अगर आप वहां पे अपनी प्रेजेंस कंफर्म नहीं करते तो आपको अवार्ड नहीं मिलेगा। बहुत कर रहे हैं। और दूसरा, मुझे एक अपने लोगों से ये शिकायत भी है, कितने बड़े बड़े नाम पीटीवी के जिनको देखने के लिए लोग घंटों इंतजार करते थे उनके ड्रामे, कहाँ है आज वो? इन शोज में उनको क्यों नहीं बुलाया जाता? बिकॉज दे आर नॉट ग्लैमरस। ये भी मैं आपको मजे की बात करूं, ये गिला मैंने अभी किया पिछले दिनों कि अगर मेरी उम्र का एक बुजुर्ग मौजूद है, मेरी उम्र का, तो आप उस बुजुर्ग से कैरेक्टर क्यों नहीं करवा रहे? ना कि आपने 35 साल के लड़के को बूट पॉलिश लगा के यहाँ पे वाइटनर करके आप उसको बाप बना रहे हैं। क्या बात, ये आप बेसिकली उस बच्चे के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं जिसको आप वाइटन लगा रहे हैं, और उनके साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, उनका आप हक मार रहे हैं। तो फिर कहते हैं कि कमाई में बरकत है, तो यहाँ कितनी बरकत है, बैठे बैठे कमा रहे माशाल्लाह। आप हमारे प्रोग्राम की बरकत चेक करें, कितनी कमजोर बरकत है हमारी। सामिया जी, शगुफ्ता साहिबा के सितारों पर रोशनी डालेंगे। अभी से मेरी बारी जल्दी आ गई। हाँ, जल्दी आपकी बारी भी जल्दी आ गई, आपको पता नहीं। इतनी मेथोडिकल है, इतनी ये सिलीके वाली है, और मैं तो इनको यहाँ 100 में से 100 नंबर दूं इनके सिलीके के। जो है ये यहाँ बैठ के आपको बता सकती हैं कि इनकी अलमारी के दाएं तरफ जाएं तो वहां पे
इनकी ये चीज पड़ी हुई है, जो जो बंदा इस हद तक ऑर्गेनाइज और उसको इतना पता हो तो ये तो एक मुकम्मल खातून है। मोस्टली एक्टर तबका जो है ना, स्पेशली पुराना जो एक्टर तबका है, मैं अक्सर जाके जब सेट पे बैग खोलता हूँ ना तो यूं देखते हैं लोग, क्योंकि बड़े सलीके से चीजें लगी होती, और यंगस्टर का आप किसी का बैग खोले ना तो वो रोल करके ना उसने कपड़े यूं रखे होते, तो मैं कहना तेन तमीज नहीं हैगी, तेन अपने कपड़े रखने की तमीज नहीं हैगी। तो ये हम पुराने लोगों में दरमियान में आते हैं, हम जो पुराने लोग हैं तो हमें ये तरीका सलीका थोड़ा सा है, तो ये है ऐसे ही है। नहीं वो कह रहे है, लेकिन मैं ज्यादा एक हद तक हूँ। अच्छा वो इस बच्चों के लिए भी क्या कहते हैं इसको, आई फील द डेफिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड होम इज, देखने में तो लगे ही लेकिन व्हेनेवर यू नीड समथिंग यू फाइंड इट राइट अवे। अच्छा, जो चीज आप बेगम से पूछते हैं ना कि कहाँ रखी है, वो उन, हाँ, क्या वो वाली मिल जाए वो चीज हर चीज की। मैं नहीं पूछता, नहीं पूछता, मैंने पता है मैं कितने की हूँ, मैंने पूछती जी। इनके बड़े और भी शौक होने चाहिए, लाइक पेंटिंग हो गया, लिखना हो गया, म्यूजिक हो गया, मतलब बड़ी वर्सटैलिटी है। अगर मैं इनके जायचे को रीड करूँ तो ये पता नहीं क्यों इस पे काम नहीं करती। बहुत अच्छा है आपा सर, तो सर प्लीज हमारे लिए नुमान सर कर दे फरमाए। अरे एक लाइन, एक लाइन नहीं दो लाइन गाती बहुत दो चार लाइन। वेरी गुड। शाजिया मंजूर साहिबा का गाया हुआ गाना है और गुस्ताखी की माफी मांगते हुए उन्हीं को डेडिकेट करती हूँ दो लाइनें। राता में कालियां राता, राता वे कालियां राता, राता वे कालियां राता, अखियां लाइयां बरसाता माया हो, राता वे कालियां राता, अखियां लाइयां बरसाता माया, यादा तेरिया मैनू पौन केरिया, दस वे सोनिया नजरा क्यों फेरिया, सावन दिस दे रावन दिस दे साफन दिस दे रामा, राता वे कालियां राता, अखियां लाइयां बरसाता माया हो, राता वे कालियां राता, अखियां लाइयां बरसाता माया गहरी ईगो वाली बंदी है, मतलब इनको कोई यूं समझ नहीं सकता और ना ही कोई इन्हें इजीली कन्विंस कर सकता है, ना इन्हें कोई इजीली इंप्रेस कर सकता है। और थोड़ा सा इनकी आने वाली जिंदगी के हवाले से वो क्या कहता है आपका इल्म, डेस्टिनी माशाल्लाह, जो एक चीज नजर आ रही है कि इनके पास एक और पासपोर्ट आने वाला है। अरे तो उसकी जो है वो कोई कमिंग सून वाला टीजर चल रहा है सितारे के जायचे के अंदर। इनके हाथ से ना पौधे फलते फूलते, मैं जो इन्हें मशवरा दूंगी पौधे लगाया करें, और इमरान खान को ज्वाइन कर लें, पौधे लगाएं और कुछ ना करें, पाकिस्तान को ग्रीन बनाए, पाकिस्तान को ग्रीन बनाए। बड़े जेन्युइनली इनके साथ इनके हस्बैंड बड़े अटैच भी नजर आते हैं, घर के मामले में कोई इनके ऊपर शिकायत नहीं की जा सकती, ना इनके बच्चों की तरफ से ना इनके हस्बैंड की तरफ से।